मैदे का मन जो चार के साथ अंशहार जोड़े एक साथ वर्ण सूत्र में बन गए हैं। इस सामूहिक विवाह का कार्यक्रम केंद्रीय जलप्रपात पर बने स्वामी भजनानंद वनवासी सेवा आश्रम में आयोजित हुआ। साथ ही यहां जाति और समाज का भी कोई बंधन न था। आश्रम में सामूहिक विवाह के आयोजन का ये लगातार 20वां वर्ष है, जिसकी ख्याति ऐसी है कि अमेरिका से भी लोग कन्यादान करने पहुंचे थे। 12 साल से मैं हर साल यहाँ आ रहा हूँ विवाह समारोह में और शादियों में और यज्ञ में हिस्सा लेने के लिए महाराज जी के आशीर्वाद से। सुने कि आश्रम है तो सब हो जाता है करके, इसीलिए हम लोग यहाँ आए, शादी हो जाए तो अच्छा है। अच्छा, तो खर्च को देख करके और क्या बोलते हैं कि जैसे स्थिति था उस स्थिति को देखते हुए हम लोग सुने थे इस जगह को, इसीलिए हम लोग सोचे कि हो जाता है तो अच्छा है। जो जुड़ा उस संपर्क को पुनः बनाने का कि जो लोग बड़े शहरों में रहते हैं, बड़े मोटर कार में चलते हैं, वो यहाँ भी आए, यहाँ के गरीबों के जीवन को देखें और अपने जीवन में से कुछ सहयोग परमार्थ के मार्ग में कर करके उनके जीवन में खुशियां लाएं। अमानगंज के स्वास्थ्य केंद्र में स्वीपरों